तो ये इनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है ऊपर। अच्छा लगा हाँ। कैसे रहा ऊपर जाके? कैसे लग रहा था? धक धक कर रहा था दिल? हाँ। और नीचे आ रहे थे तो उसमें कैसे लग रहा था? वाह, अब तो घर जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे हैं कि मैं लेके चली हूँ स्कूटी का चाबी और पीछे आपको जीप दिख रहा होगा, बट आज वीकेंड है और हम चले कहीं घूमने। पीछे हमारा ग्रुप है। कर रहे हैं ये वाहन के लिए, वो भी उसे भी तो खाने का जरूरत है। हाँ, उसे भी खाने का जरूरत है, तो वो अभी खाना खा रहा है ताकि हम लोग सबको ले चले अच्छे से। जी, हमारा अपना पेट्रोल पंप। जी, अपना। और ये हमारे ड्राइवर साहब अपने सीट को फिट करते हुए। चलिए बैठिए। मेरा चश्मा। ओह, चश्मा बहुत ज़रूरी है। यस। चलिए, ड्राइवर साहब तो रेडी हो गए, अब हम भी रेडी होने। हम लोग को बैठेंगे यहाँ, हम लोग फिलहाल इसका व्यू देखे खाली। तो मेरे साथ हो गया गेजा, फ्रंट सीट में बैठ गए कोई और। अब मुझे पीछे बैठ के जाना पड़ेगा, वो भी ड्राइवर के पीछे। लेकिन ये सबसे सेफ जगह, ड्राइवर के पीछे बैठना यानी कि बहुत सेफ जगह। मतलब ड्राइवर अपने आप को बचाएगा, साथ में मुझे बचाएगा, मतलब सब लोगों को बचाएगा, लेकिन जो पीछे बैठते हैं ना वो लोग ज़्यादा बचाता है। बादल का देखिए ऐसा हालत है, और हम जा रहे हैं ओपन जीप में, और हमारे बाल का तो ऐसा हालत हो गया है, और बारिश कभी भी हो सकती है, कोई बात नहीं, बट हम लोग आनंद लेते हुए हम लोग जाएंगे। हाँ, मैं अभी फिलहाल रांची के रिंग रोड में। फाइनली बारिश शुरू हो चुका है, और यहाँ हम लोग का देसी जुगाड़ दिख रहा होगा। ड्राइवर भी छुप गए हैं, इधर हम लोग सब भी छुप गए हैं। ये हमारा देसी जुगाड़, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इंडियन जुगाड़ पे चलते हैं, तो आज हम भी जुगाड़ करके जा रहे हैं। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, मजा ही आ रहा है। और कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा बारिश आ रहा है, देख सकते हैं। ड्राइवर साहब रुके नहीं है, बस चले जा रहे हैं, और हम लोग पूरा जुगाड़ करके हम लोग भी चले जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पेट्रोल पंप, और कुछ ही दूर में हम लोग गेतलसूद डैम पहुँच जाएंगे। और उस समय तो हम लोगों ने टेम्परेरी खाना खिलाया था गाड़ी को, अभी हम लोग और अच्छे से उसको खाना खिला देते हैं ताकि हम लोग पहुँच जाए, कहीं बीच में अटक ना जाए। और हाँ, बारिश में रेनकोट ही है जो हमारा साथ देता है, और अभी भी रेनकोट नहीं हमारे साथ दिया, लेकिन बारिश तो कम नहीं हुई है, हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा भींग गए हैं। चलो डैम जाके क्या भींगेंगे, हमको तो लग रहा है कि लग क्या रहा है, मैं हम लोग भींग ही गए हैं पूरा। तो हम लोग जिस जगह में है वो है गेतलसूद का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि जंगलों से स्टार्ट होता है। और आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे जंगल है, यहाँ प्री वेडिंग शूट भी होता है, आप आ सकते हैं आराम से प्री वेडिंग शूट कराने के लिए, और यहाँ मूवी भी शूट हो सकता है, बहुत ही अच्छा आता है। ये है हमारे स्टंट मैन जो गाड़ी चलाते चलाते साथ में वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं।
इसी को कहते हैं रियल टैलेंट। कभी देखा है? कभी देखा है? और आगे है ऐसे टर्निंग, लेकिन देखते हैं कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और ये पीछे नहीं ना क्लासिक ये फिर हमको अपना कैमरा घुमा के देखना पड़ेगा पीछे। यस यस, कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और ये हमारे ड्राइवर साहब को देखिए, सो मच सॉरी फुल ऑफ टैलेंट, देख सकते हैं पूरा एकदम गियर लिया जा रहा है और इनका शूटिंग चल रहा है, शूटिंग भी चालू है और गाड़ी वाले राइडर प्रोवाइडर है पूरा स्माइल के साथ में गाड़ी चल रहा है और इन्होंने ले लिया। यस, हम लोग एडवेंचर करने जा रहे हैं तो कुछ एडवेंचर हमारे ड्राइवर साहब की तरफ से भी। और ये पास में गीला मिट्टी है क्या? हाँ मिट्टी तो है, इसलिए हम लोग हम लोग को वेलकम किया जा रहा है। और यही है जो रियल एडवेंचर जिसके लिए हम लोग आए हैं, गितलसुट डैम। दिल थाम के रखिए भाइयों और बहनों, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। यस, गाड़ी हम लोग अंदर नहीं जाएगा, ये है पार्किंग, तो हमने पार्किंग में गाड़ी रखना पड़ेगा। और ये हो रहा फोटोग्राफी हमारे देसी बॉयज का। ये कैमरा गर्ल कैमरा लेके खड़ी है, लेकिन मेन कैमरा गर्ल ये है। पूरा हो रहा फोटोग्राफी और ये लोग पूरा पोज 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 पे पोज देते जा रहे हैं। गाड़ी का अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बीच सीधा है ना। ये देखिए मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन माफी चाहूंगा सभी दर्शक, आप सभी के सभी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। मेरी बाकी टीम चरणों तक अपनी अपनी जगह पर जाएं और वो अपनी अपनी एक्टिविटी की तैयारी करें। बाकी टीम अपनी अपनी जगह पर जाएं और अपनी अपनी एक्टिविटी की तैयारी करें। हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीलंका के साहब को मैं तारीफ करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम समय में बेस्टी समय में जानकारी कार्यक्रम में भाग लिया और इन्होंने खुद भी सारे कार्यक्रम को एंजॉय किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन है। वाओ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे एडवेंचर और एक्टिविटीज करवाए जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेशन हो रहा है, हो चुका है। यू आर गोइंग एट योर ओन रिस्क, ठीक है ना? हाथ पर तोड़ाइए, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल हियर। देखो कैमरा तरफ मत देखो, तुम इधर देखो। अच्छा आमा मुझे ना अरे हाँ
वापस जाना है, वापस जाना है। चलो ठीक, कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कैटवॉक कर रही थी। ये मेरा रैम था जिसमें मैं रैम वॉक की, बहुत ही मजा आया। चलो चल गया, भूल गए, आराम से। नहीं मिल रहा था ना, इधर में रखना है। इजी नहीं जाने टाइम, इधर में रखने के लिए अच्छा जगह। टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स। मैम आपने देखा ना किस तरह से, समझ गए ना? ठीक है, वजन अच्छा नहीं, ऊपर चढ़ना कैसे हो सकती है? आपने किसी का ऑक्सीजन छोड़ से इसको थोड़ा सा क्लाइंब करके ऊपर क्लाइंब करेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, तो आपका बैलेंस ऐसे कैसे क्लाइंब करेंगे बॉल की तरफ बॉडी पर। अच्छा कितने मिनट चलिए, रोप छोड़ दीजिए चलो जब चलो 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 देखिए, हेलमेट में पंखा जोड़ देगा जो डोरेमोन। सबास अपना सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, लड़कियां नहीं डरती है। चलो अभी तक तो चलो चलो पैर ऊपर नी स्ट्रेट आराम से। चलो 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 लैंड कर लो, वाह वेरी गुड फैंटास्टिक गुड वेरी गुड। बताइए, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि रोडीज वाला कोई कोई हेल्प कर रहा था स्टंट, बहुत ही मजा आया। बीच में थोड़ा सा डर लग रहा था, ऐसा लगा सब गिर जाएंगे, पर सोचे कि नहीं मुझे करना है, ऊपर तक जाना है, चलेगा। बहुत ऊपर तक फिर नीचे उतर रहे, फिर लगा कर रहे बाप रे अटक जाएंगे, अटक ही गया था वैसे, लेकिन ठीक है मजा आया, बहुत ही मजा आया। वेरी गुड, चलो इतना हैवी है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। इस तरह से है, बहुत सारा बोट लगा हुआ है, ये है मोटर बाइक, और वो कुछ दूर में भी आपको बोट दिख रहा होगा, इस तरह से आपको बोटिंग किया करवाया जाएगा। और मोटर बाइक स्टार्ट हो चुका है, और आगे में भी देखिए मोटर बाइक जा रही है। आप भी इस तरह से आनंद उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा कल।
आप देख सकते हैं भीड़ तो आज VIPs लोगों के लिए है, ओपनिंग है, इसलिए कल से आएगा आम आदमी के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स, ये सामने आपको दिख रहा होगा येलो वाले, ये है बनाना राइड और उसका नाम मुझे नहीं पता, आपको पता है तो बता दीजिए, जो गोल वाला है। यहाँ का तो एकदम फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि हमारा झारखंड है, लेकिन सचमुच ये हमारा झारखंड है। छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर, सचमुच आज देख के लग रहा है ये हमारा हीरा ही नागपुर है। तो बिल्कुल पूरा गोवा वाला फीलिंग आ रहा है। क्या गोवा जाके करना है यार, यही सब तो करवाते हैं गोवा में, यहाँ पर आके कितना मज़ा ही आ गया। और ये है बनाना राइड का डेमो, देख सकते हैं आप डेमो बनाना राइड का। लग रहा है ना कि हम लोग एकदम आना ही चाहिए। और ये देखिए फिर से ड्राइवर साहब का स्टंट शुरू हो गया है, एडवेंचर करके आया, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा इसलिए फिर से एडवेंचर करे जा रहे हैं। इनको कैमरा सेट करना नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों तरफ ध्यान लगा रहे थे, इससे ये पता चलता है कि आप लोग ऐसा स्टंट नहीं करना है, एक ही चीज़ में ध्यान देना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाइए, इनके जैसे स्टंट बिल्कुल ना करें, वरना खतरों से खाली नहीं होगा। बहुत सारा प्रैक्टिस है, हाँ इसके पीछे बहुत सारे इनका प्रैक्टिस है। ये गौर से देखिए इस चेहरे को, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी। ये देखिए, हाँ पर आप आके एंजॉय कर सकते हैं एडवेंचर जो झारखंड टूरिज्म की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सिर्फ 3 दिन के लिए लगा हुआ है जिसका टाइमिंग है 7:00 से 11:00, शाम में 3 से 5 इसका टाइमिंग है। आप आके एंजॉय कर सकते हैं और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।